नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के न्यूमेरिकल को लगाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो जो आपका सूत्र लिखा हुआ है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, इस पर आधारित होंगे। और अगर आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके साथ साथ में आप लोग और भी वीडियो जो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ आप उनको भी देखिएगा, जिससे कि आप लोग क्लास 10 में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इससे पहले आप लोग इस सूत्र को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो आइए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 की तरफ और समझते हैं कि इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके सामने 1 लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन 2.0×10^4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 5.0×10^5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 2.0×10^4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये क्या दे रखा आपको है के चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपका होता है बी। तो आपको दे रखा है बी बराबर 2.0×10^4, और जो दे रखा उसको नोट करेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये बी आपको दे रखा है। यहां पर कह रहा है लंबवत दिशा में। अब लंबवत दिशा कहा जाएगा तो इसका मतलब आपका जो थीटा होगा ना, थीटा ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। 5.0×10^5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, चाल चाल स्पीड होती है ना, स्पीड मतलब इसको हम लिखते हैं वेग वी। ठीक है, इसको नोट करेंगे वी से। तो बी बराबर आपको रखा है 5.0×10^5 और मीटर प्रति सेकेंड। आपसे कहा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। मतलब क्या आपको यहाँ पर चुंबकीय बल, आपको बल निकालना है, इसका मतलब आपको फोर्स निकालना है, एफ बराबर आपको यहाँ पर निकाल देना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आपका ये सवाल किस टाइप से सॉल्व होने वाला है। तो मैंने आपको बताया है सूत्र कौन सा, वो हम यहाँ पर सूत्र नोट करेंगे सबसे पहले कि सूत्र, ठीक है, एफ बराबर क्यू बी बी और साइन थीटा से। अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे, अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि देखिएगा हम लिखेंगे बराबर और क्यू का मान हमें नहीं पता है। अब समस्या यहाँ पर होती है क्यू का मान कितना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं क्यू का मान कितना होगा। आपको ये दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और आवेश होता है 1.6×10^-19 कूलम। ठीक है, तो आप क्या समझे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6×10^-19 कूलम का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो देखेंगे बराबर, यहाँ पर देखिए क्यू का मान रखेंगे, वी का मान रखेंगे, फिर बी का मान रखेंगे, फिर साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ी जगह कम पड़ सकती है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा हटा रहे हैं फिर लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है बराबर, ठीक है एफ बराबर, देखिए क्यू, तो क्यू का मान आपका है 1.6×10^-19 गुणा वी, वी का मान आपका है देखिए 5.0 है ना, तो इसको लिखेंगे 5, तो हम कर देंगे यहाँ पर 5×10^5, फिर गुणा वी, बी का मान है 2×10^4 और साइन थीटा, तो साइन 90, और साइन 90 हो जाएगा, ठीक है साइन 90 डिग्री। देखिए बराबर, अब यहाँ पर इसको हमें हल करना पड़ता है। ठीक है, तो हल करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर समझिएगा, हल करने के लिए देखिएगा, यहाँ पर जो आपका 1.6 है, जो आपका 5 है, जो आपका 2 है, इन सबके कर देंगे गुणा। देखिए 16×5 80, और 80 दुना कितना होगा 160, तो ये आपका बन जाएगा 160, और एक अंक के बाद लग जाएगा आपका पॉइंट, तो आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग,
आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो देखिए 16 पंचे 80, 80 दुनिया 60, ठीक है बिल्कुल सही है। गुणा 10 की घात देखिएगा, माइनस का 19 है, माइनस का 19, और यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, ये प्लस का है तो प्लस का 5 कर देंगे इसी में जोड़ देंगे, और ये 10 की घात 4 है तो इसके लिए प्लस का कर देंगे हम लोग यहाँ पर 4, ठीक है। तो और गुणा साइन 90 का मान होता है 1, तो ये मिक्स हो गया आपका, निकल के आएगा देखिएगा, यहाँ पर तो आपका था 16, यहाँ पर पॉइंट लगा था, ठीक है यहाँ पर पॉइंट आपका है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 16 गुणा 10 की घात आपकी हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 10, यही आपका आ जाएगा यहाँ पर न्यूटन, ठीक है। लेकिन लगा हुआ है, विज्ञान में क्या होता है इसको हमें लिखना पड़ता है मानक रूप में, और मानक रूप का मतलब पॉइंट जो आपका है वो एक अंक के बाद लगना चाहिए। इसका मतलब यहां पर हम कर देंगे 1.6 गुणा 10 की घात, अब यहां पर कितना हो जाएगा, तो इसमें से हमने क्या क्या एक अंक पीछे लगाया पॉइंट, तो यहां पर हम क्या करेंगे माइनस का 10 है, ठीक है इसमें हम लोग प्लस का 1 कर देंगे, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 9 न्यूटन, और इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा ना वो यही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को लगाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को पहले समझे होंगे। अगर आप इस सवाल को नहीं समझे हैं तो अगला सवाल देखिए, ठीक है, क्योंकि एक हो सकता है आपको पहला सवाल समझ में ना आया हो, जब आप आगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पहला सवाल हो चुका है आपका यहाँ पर, आगे देखिए प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 2 नंबर, लिखा है 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम से आवेशित कण 2 × 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1.0 × 10 की घात 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है देखिएगा, 3.2 × 10 की घात -19 कोलाम से आवेशित, तो कोलाम इसका मतलब आवेश की मात्रा आपको दे रखी है, आपको दे रखा है क्यू बराबर 3.2 × 10 की घात -19 कोलाम, ठीक है। तो इतना लिख लेंगे पहले हम लोग, फिर आगे देखेंगे 2 × 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको दे रखा है, ठीक है, तो आपको दे रखा है वेग, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है, और आगे लिखा है कि चाल, और चाल का मतलब मैंने आपको बताया था वेग होता है, तो आप लिखेंगे वी बराबर, और ये आपको दे रखा है 2 × 10 की घात 5, ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड। 1.0 × 10 की घात 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है बी, तो आपको दे रखा है बी बराबर, ठीक है बी कितना आपको रखा है, बी आपको दे रखा है 1, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर है, ये इसको हटाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 1, तो 1.0 × 10 की घात 4, और ये आपको दे रखा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत का मतलब होगा यहाँ पर आपका जो थीटा का मान है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए, और चुंबकीय बल का मतलब आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है, मतलब F का मान आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपको इसके PDF चाहिए तो इसके PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप लोग उसको डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, और उसके बाद आप लोग इसमें सर्च कर लेंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा आफ्ताब स्टडी क्लासेस, ठीक है, तो AFTAB और STUDY और CLASSES, ठीक है। अगर आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, PDF आपको वहां पर मैं इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको F निकालना है, तो आप यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, F बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे आप सूत्र, F बराबर QVB sin θ से, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर सूत्र। देखिए बराबर के नीचे हम लोग बराबर का निशान लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जगह पर क्यों का मान रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 3.2 × 10 की घात -19, ठीक है ये इतना हो गया। बी, वी का मान आपका है 2 × 10 की घात 5, फिर गुणा बी, बी का मान आपका कितना है, बी का मान आपका है 1 × 10 की घात 4, और इसके बाद आपका है sin θ, तो साइन आपका थीटा है sin 90 डिग्री, ठीक है 90 है। आगे देखिए इसके बाद, अब यहाँ पर देखिए आप लोग इसको कैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3.2 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इनकी पहले हम गुणा कर लेंगे, तो 3.2 का डबल कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6.4, ठीक है। अब देखिए गुणा, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर, देखिए आप लोग यहाँ पर इसको देखिएगा, 10 की घात 5 को देखिएगा और 10 की घात 4 को देखिएगा, ये घात वाले देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी होगी, देखिए माइनस का आपका है 19, ये 5 जो है ये प्लस का हो जाएगा 5 और प्लस का हो जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, और इंटू करेंगे साइन 90 का मान होता है 1। देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि 10 की पावर को हम किस टाइप से लिखते हैं, जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जिसमें कोई सा चिन्ह नहीं है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा बराबर 6.4 × 10 की घात, देखिए माइनस का 19 है प्लस का 9 है, तो माइनस का 10 न्यूटन, ठीक है। तो बस आपसे यही पूछा गया था, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। प्रश्न को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, प्रोटॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बी का मान रखा है, ठीक है। आप मात्रक देखकर पहचाना करें कि यहाँ पर आपको क्या रखा है, ठीक है। तो बी बराबर आपको रखा है 2500, ठीक है, और आप लिख लेंगे आगे न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है, और मीटर। आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, इतना 4 × 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, वेग वेग का मतलब वेग या चाल एक ही चीज होती है, वी होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी बराबर 4.0 × 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और आगे लिखा है कि क्षेत्र से लंबवत प्रवेश करता है, इसका मतलब आपका जो थीटा का मान है ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि प्रोटॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए, आपको यहाँ पर बल निकालना है, तो बल का मतलब आपको यहाँ पर एफ का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। आपका जो सूत्र होता है ना, आपका सूत्र होता है कि सूत्र एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से। इस सूत्र से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं यहाँ पर किस टाइप से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर क्यू का मान नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि एक क्या है, ये एक प्रोटॉन है। तो अब आप लोग क्या समझेंगे, अगर प्रोटॉन है, देखिए इससे पहले इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना था उतना ही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है, मतलब शुरुआत में आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है, जो प्रोटॉन पर होता है उसमें स्टैटिक में प्लस का चिन्ह लगा होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ पर भी आपका जो क्यू का मान होगा वो आपका हो जाएगा 1.6 × 10 की घात − 19 कूलाम, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर हमारा सूत्र लिख चुका है, इसमें मान रखते हैं, लिखेंगे बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्यू की जगह पर लिख लेंगे 1.6 × 10 की घात − 19 × V। V आपका है 4.0, हम 4.0 को सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा और 10 की घात 5। उसके बाद B, B का मान है 2500, और उसके बाद में साइन थीटा है 90 डिग्री, देखिए आप लोग यहाँ पर 90 है, तो साइन थीटा मतलब साइन 90 का मान एक होता है, ठीक है। अब देखिए आप बराबर, अब इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बराबर हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए 1.6 यहाँ पर आपका है 4, और ठीक है यहाँ पर आपका है 2500, तो इसकी गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, हमें इस सबकी गुणा करनी पड़ेगी। देखिए स्टेप बाय स्टेप गुणा अगर करेंगे तो हमें आसानी रहेगी, ठीक है, गुणा करने में। किसकी किसकी गुणा पहले करेंगे, सबसे पहले हम लोग गुणा कर देंगे इन दोनों की गुणा पहले कर लेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे अभी, ठीक है। तो देखिए बराबर यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा 1.6, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आप 2500 में हम लोग 4 की गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 40 नहीं है, ये सिर्फ 4 है, तो 2500
और 4 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। कितना आपका आ जाएगा? 10,000, इतना आ जाएगा आपका। बात को समझे आप लोग यहाँ पर। फिर देखिए गुणा 10 की घात। अब देखिए 10 की घात यहाँ पर आपकी है माइनस का 19 और यहाँ पर 10 की घात 5, तो इसको लिख लेंगे माइनस का 19 है और प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। बात समझिए आप लोग यहाँ पर। देखिए बराबर 1.6 गुणा 10 की घात। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है कि जो आपका ये लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका देखिए आपके यहाँ पर लिखा है 10,000, यहाँ पर आपके 4 बार 0 है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि आपके 4 जीरो है, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 10 के घात 4, ठीक है, 10 की घात 4। और इसके बाद हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे और यहाँ पर आपका जो है 10 की घात, ये जो आप हल करेंगे ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ पर 14। कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का आपका यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर इसके बाद देखिए आप लोग आगे, तो ये आपका बन जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात, देखिए 4 और माइनस का 14, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 1.6 गुणा 10 की घात कितना आएगा यहाँ पर? माइनस का 10। यही आपका हो जाएगा आंसर, इतना न्यूटन। यही आपसे पूछा गया था कि बल कितना है, तो आप समझ सकते हैं F बराबर आपका कितना यहाँ पर आ गया? यहाँ पर आपका आ गया है कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 न्यूटन, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 को, ठीक है। एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण की दिशा में 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गुजरता है, तो प्रोटॉन पर 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और वहां पर आप सर्च कर लीजिएगा आफ्ताब स्टडी क्लासेस, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक प्रोटॉन जिसका आवेश, आपको प्रोटॉन का आवेश दे रखा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रोटॉन का आपको क्या रखा है? आवेश आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए कितना आपका आवेश है, आपका यहाँ पर आवेश दे रखा है 1.6, ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कि आपको दे रखा है क्यू बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण, थीटा कितना आपका हो गया? 30 डिग्री के कोण की दिशा में 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो आपको दे रखा है वेग, मतलब v बराबर कितना आपका है? 3 गुणा 10 की घात 5 और मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको दे रखा है, ठीक है। गुजरता है तो प्रोटॉन पर 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है, तो बल का मतलब आपको यहाँ पर एफ दे रखा है, ठीक है। एफ आपको दे रखा है कितना? 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10 न्यूटन, ठीक है। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, मतलब आपको यहाँ से, आपको यहाँ पर बी को यहाँ पर आपको निकालना है। तो देखिए इतना हमें दे रखा था, हमें यहाँ पर बी का मान निकालना है, तो अब हम लोग बी का मान कैसे निकालेंगे ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमारा सूत्र रहेगा, ठीक है। सूत्र हमारा कौन सा था? हमारा सूत्र था, देखिएगा, हमारा सूत्र था सूत्र एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से। देखिए बराबर क्यू का मान आपका कितना है? क्यू का मान आपका है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। वी वी का मान आपका है 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड। और एफ, तो एफ नहीं, यहाँ पर बी बी का मान आपका यहाँ पर कितना रखा? देखिएगा वी का मान, बी का मान आपको निकालना है, गुणा साइन थीटा आपका कितना है? साइन 30 डिग्री। और एफ का मान आपका जो यहाँ पर दे रखा है ना, एफ का मान वो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, आपको दे रखा है 4.8
गुणा 10^-10 न्यूटन। तो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ लिख के दिखा दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको प्रत्येक चीज बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होगी। अगला काम देखिए क्या करेंगे, हम इस साइड वाले को ऐसे ही नोट कर लेंगे, लिख लेंगे 4.8 × 10^-10 बराबर। देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 1.6 है, ये आपका यहाँ पर 3 है, हम इन दोनों के पहले गुणा कर लेंगे। 16 × 3 = 48, ये आपका हो जाएगा 4.8, ठीक है, गुणा 10^ देखिएगा यहाँ पर आप देखिए और आप यहाँ पर देखिए, तो -19 + 5, तो -19 + 5 यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा -14, ठीक है, गुणा फिर आपका है बी और गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो इतना आप सब लोग यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब इतना कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4.8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4.8 है, तो आपका ये कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बी का मान निकालना है, तो देखिएगा आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले 2 को ले जाएंगे हम लोग बराबर के उस तरफ, तो ये जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, बात को समझे आप लोग यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10^-10 और 10^-14 है, ये आपका आएगा बट्टा में 10^-14 बराबर आपका हो गया यहाँ पर बी। इतना करने के बाद आप यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 10^, देखिए -10 ऊपर है, नीचे -14 है, जो 10^ नीचे है बट्टा में है, और अगर माइनस की है तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप इसको कर देंगे, देखिएगा यहाँ पर प्लस कर देंगे आप लोग 14 बराबर, ठीक है, बराबर में आपका यहाँ पर बराबर में आपका हो जाएगा बी। तो ये आपका आ गया 2 × 10^-10^4, ठीक है, 10^4 बराबर आपका आ जाएगा बी, और ये आपके आ गए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के, ठीक है, कितना आपका आ गया 2 × 10^4, ठीक है, और न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये होता है ना न्यूटन एम्पियर क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ऐसे होता है, ठीक है, मात्रक में भूल चुका हूँ थोड़ा सा, अभी आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, आपसे यही पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप लोग यहाँ पर भी बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, और 5 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको यहाँ पर देखा है 1.6 × 10^-19 कूलाम है, यह 500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30° के कोण पर 4×10^6 m/s के वेग से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको रखा है इतना है, तो आप इसको लिख लेंगे क्यू बराबर 1.6×10^-19 कूलाम, ठीक है, तो आप क्यू का मान आप यहाँ से लिखेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है मात्रक, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और 500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको रखा है बी बराबर, कितना आपको रखा है 500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 30° के कोण पर आपको थीटा रखा है कितना है 30°, 4×10^6 m/s के वेग से आपको वी रखा है कितना है 4×10^6 m/s और गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए, मतलब कि आपको यहाँ पर F का मान यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब पता लगाना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूत्र, हमारा सूत्र क्या है F बराबर क्यू बी वी, ठीक है, साइन थीटा बराबर, Q का मान कितना है, Q का मान आपका है 1.6×10^-19 गुणा वी, वी का मान आपका है 4×10^6, बी बी का मान आपका है 500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री यहाँ पर है, देखिए बराबर। अब हमें इसको हल करना है, तो हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिएगा हल करने के लिए, आप देखिए आपके पास 1.6 है, आपके पास 4 है, आपके पास 500 है, देखिए ऐसी कोई जुगाड़ हो आपके पास जिससे कि आपके 0 ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो जाए, हम पहले वो काम करते हैं, ठीक है,
जैसे हमें यहाँ पर पता है कि अगर हम 4 की गुणा 500 में कर देंगे तो हमारे पास जीरो वाली संख्याएं ज्यादा बन जाएंगी, पता है आपको यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखिए 1.6 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, 1.6 गुणा। अब हम 500 की गुणा 4 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 2000, तो हम इसको करेंगे 2000, ठीक है। अब गुणा करेंगे, अब लिखेंगे 10 की पावर। अब आप 10 की पावर यहाँ पर देखेंगे और 10 की पावर आप यहाँ पर देखेंगे, तो माइनस का 19 प्लस का 6 तो आपका आ जाएगा माइनस का 13, और गुणा में साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए आपका 2000 जो है आपका 2 से कट जाएगा, पता है आपको 2000 2 से कट जाएगा, तो हम काट देंगे इसको, तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 1000, 1000 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1.6 गुणा 1000 को लिख सकते हैं हम लोग 10 की घात 3, जितने जीरो उतनी पावर, 10 की घात माइनस का 13 है, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 13 प्लस का 3 तो यहाँ पर बचेगा -10 न्यूटन। तो आपका F निकल के यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग बात को समझ गए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6, एक प्रोटॉन 1600 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 4×10^6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। यदि वह क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र से 30° का कोण बनाते हुए प्रवेश करे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, कि 1600 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब है ये कि आपको यहाँ पर देखा है बी बराबर 1600, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बी का मान रखा है। आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा है 4×10^6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर V का मान रखा है, कितना आपका है 4×10^6 और मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आपको V का मान रखा है। आगे देखेंगे इसके बाद प्रोटॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए, मतलब आपको यहाँ पर F का मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। और लिखा यदि वह नंबर 1 क्षेत्र के लंबवत हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज की कमी है, यहाँ पर आपको क्यों नहीं रखा है, तो आप क्यों कितना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये प्रोटॉन है, और अगर ये प्रोटॉन है तो इस पर जो आपका आवेश होता है वो होता है 1.6×10^-19 कूलम, ठीक है। इतना आवेश होता है एक किस पर, एक प्रोटॉन पर इतना आवेश आपका होता है। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है कि क्षेत्र के लंबवत है, तो पहले वाले सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला सवाल, जो आपका पहला सवाल यहाँ पर आपका है इसको देखते हैं, क्षेत्र के लंबवत। तो लंबवत का मतलब आप यहाँ पर थीटा जो है आप इसको कर लेंगे, ठीक है, 90°, ठीक है। लंबवत का ये मतलब होता है ना, थीटा आपका 90° हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मान निकालें, तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पर है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि सूत्र, ठीक है, सूत्र F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से, ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। देखिए बराबर Q का मान आपका हो गया 1.6×10^-19 गुणा V, तो V का मान आपका है 4×10^6 गुणा B, B आपका है 1600×sin थीटा, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा कितना, साइन 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको गुणा करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो अब आपको समझना है कि आप गुणा किस टाइप से, आप गुणा अच्छी तरीके से कर सकते हैं वैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर आपका 1.6 है, यहाँ पर आपका 1.6 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 1600 है, एक साथ गुणा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 1.6 की 4 में गुणा करेंगे तो आपका 16 चौका कितना होता है, 64, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6.4
गुणा 1600, ये भी हो जाएगा ठीक है। फिर गुणा, अब देखिए 10 की घात माइनस का 19 आपका यहाँ पर है, 10 की घात 6 आपका यहाँ पर ये बचा हुआ है, इसको लिखेंगे तो देखिए 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 19 प्लस का 6 तो माइनस का 13 ठीक है, और गुणा में साइन 90 का मान होता है 1। इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब आपको 6.4 की गुणा करनी है 1600 में ठीक है, 1600 में तो 16 चौका 64 का 4, दो जीरो लग जाएंगे इसके पीछे, 16 चौका 64 का 4 आंसर लगा 6, 16 छक 96, 96 और 6 कितना होता है 102, तो 102 यहाँ पर कर देंगे और पीछे से एक अंक के बाद आपका लगेगा पॉइंट, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा ठीक है, और गुणा में आपका है 10 की घात माइनस का 13। अब देखिए बराबर, आपको ये वाला पॉइंट यहाँ से हटाना है और आपको यहाँ पर लाना है एक के बाद, तो मतलब आपको लाना है 1.024 गुणा, तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर 4 अंक पॉइंट पीछे बढ़ा, तो इसका मतलब 10 की घात यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए माइनस का 13 है, जितना आप पीछे ले जाएंगे उतनी ही आप यहाँ पर जोड़ देंगे, आप 4 अंक पीछे लगे तो आप यहाँ पर प्लस का 4 कर देंगे ठीक है, तो ये आपका आएगा 1.024 गुणा 10 की घात माइनस का 9 न्यूटन, तो इतना आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं आपका जो आंसर आया है ये कितना आया है, 1.02 ठीक है, 1.024 गुणा 10 की घात माइनस 9 और न्यूटन, इतना आपका यहाँ पर आ गया है। तो पहला स्टेप मतलब पहला वाला सवाल जो आपका है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद में हमें इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा वाला पार्ट है वो किस टाइप से आपका यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, क्योंकि पहला वाला पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब इसके बाद में हम लोग दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर चेक कर लेंगे कि दूसरा वाला पार्ट आपका यहाँ पर कितना बन रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद यहाँ पर हम लोग, देखिए दोस्तों इसके बाद दूसरा वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला वाला तो हमारा यहाँ लग गया है, क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के समांतर। अब इसके लिए हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी ठीक है, तो जगह के लिए अब मैंने उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने पहला वाला जो पॉइंट आपका है ये आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको भी, दूसरे वाले पार्ट को भी, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और टेलीग्राम को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना हटा दिया है, बकाया वही रहा है आपका ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिएगा जैसे आपको यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट नोट करना पड़ेगा, थीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, तो आप यहाँ पर वैसे लिखेंगे क्यू बराबर वी वी साइन थीटा ठीक है, और फिर आप सबका मान रखेंगे और साइन थीटा की जगह आप कर देंगे साइन 0 डिग्री। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है, आप गुणा उणा मत करिएगा, आप सबसे पहले यहाँ से लेकर नोट करिएगा पूरा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुणा 4 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1600, और गुणा में आपका साइन 0 है, साइन 0 का मतलब है 0, और 0 से आप किसी में गुणा करेंगे तो आपका पूरा मान 0 हो जाएगा और आपका जो एफ है ना वो आपका यही होगा 0 न्यूटन ठीक है, 0 न्यूटन। तो इस तरीके से आपका जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो आपका बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, और आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 न्यूटन ठीक है, बात को समझे आप लोग ठीक है। इसके बाद में आप लोग तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे, क्षेत्र से 30 अंश का कोण आते हुए, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको हटाएंगे ठीक है, तो इरेज करेंगे यहाँ से हम लोग, फिर से वही काम करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर लेंगे ठीक है, जितने हमारा काम चल जाए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी ठीक है, तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे ठीक है, तो आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट को हल करेंगे, तो तीसरा वाला पॉइंट है थीटा आपका है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 30 डिग्री ठीक है। अब देखिए आप लोग आगे क्या करेंगे,
यहाँ पर आप 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप वही काम करेंगे, 16 चौका 64 आप यहाँ पर कर लेंगे 6.4, गुणा में आप कर देंगे 1600, गुणा में आपका 10 की घात कितनी जाएगी, माइनस का 19 प्लस का 6, तो माइनस का आपका आएगा 13, और गुणा में sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब आप 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से काट पीट लेंगे, तो 2 से आप काटेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 2 8 16। ठीक है, बात को समझे आप लोग यहाँ पर। तो अब आप लोग यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 8 चौका 32 का 2 हाथ से लगा 3, और 8 छंग 48 3 51, तो 51.2 आपका यहाँ पर आ गया, गुणा 10 की घात माइनस का 13, तो आपका आ जाएगा 5.12, गुणा 10 की घात देखिएगा माइनस का 13 है, एक अंक पीछे उड़ाया तो आप एक इसमें जोड़ेंगे, तो आपका आएगा 5.12 × 10^-12 न्यूटन। ठीक है, 10^-12 -12 न्यूटन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार आप इसको देख भी सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, जो आपका 6.8 था, 4 था, आपने 8 में इसकी गुणा की, तो आपका आ गया 51.2, और 10 की घात तो आपकी आ गई थी यहाँ पर -13, और फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर जो है एक अंक पीछे पॉइंट गया, तो आपने एक कम किया तो आपका यहाँ पर हो गया -1, मतलब इसमें प्लस कर दिया तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, आपका यहाँ पर आ गया है -1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और थी, आपका यहाँ पर 2 जीरो और थे, ये वाले आपके 2 जीरो छूट गए थे, तो इसके आगे 2 जीरो और लगाने थे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, फिर से आपको थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, देखिए थोड़े सवाल लॉन्ग यहाँ पर है इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, वरना आपकी मिस्टेक नहीं होगी, अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ पर कोई समस्या वाली बात आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर आया था देखिएगा 8 चौका 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 छंग 51, ठीक है, और 2 जीरो आपके थे। अब आप एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और गुणा में आप कर देंगे 10^-13, फिर आपका ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, आपका पॉइंट यहाँ पर जाएगा, तो आप कर देंगे यहाँ पर 5.12 गुणा 10^ माइनस का 13 है, और आपका पॉइंट 3 अंक पीछे बढ़ा, तो जितने अंक पीछे जाएगा आप उतने इसमें ऐड करेंगे, तो प्लस का 3 कर देंगे, तो 5.12 गुणा 10^-10 न्यूटन। ठीक है, 5.12 गुणा 10^-10 न्यूटन जो आपका यहाँ पर बनेगा आंसर। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर यहाँ पर बन गया है। अब आपके तीनों सवाल लग चुके हैं, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 7 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर चलिए देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर सवाल है कि एक आवेशित कण 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 10^6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यदि वह क्षेत्र के लंबवत है, क्षेत्र के समांतर है, क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मीटर, ठीक है, ये आपको रखा है बी बराबर, तो बी आपका है 1000, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 10^6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, इसका मतलब आपको रखा है वी बराबर कितना है, 10^6 मीटर प्रति सेकेंड, और इसके बाद में देखिएगा आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर F का मान आपको यहाँ से निकालना है, और यदि वहाँ नंबर 1 क्षेत्र के लंबवत है, समांतर है, ठीक है, ये भी रखा है, और लास्ट में आपको रखा है कि आवेश की मात्रा, इसका मतलब आपको रखा है Q बराबर 3.2 × 10^-19 कूलम। ठीक है, तो आप लोग इतनी बात को समझिए, आपको दे रखा है Q बराबर 3.2 × 10^-19 कूलम। पहला वाला पॉइंट हम लोग लगाना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहला वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्षेत्र के लंबवत का मतलब आपका थीटा जो है वो आपका आपका हो जाएगा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग इसके बाद में इस सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है F बराबर Q V B sin थीटा, देखिए बराबर,
क्यू का मान आपका हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुणा वी 10 की घात 6 गुणा बी आपका है 1000, और साइन कितना आपका है, साइन आपका है 90 डिग्री। तो इसके बाद में आप आगे देखेंगे तो आपका यहाँ पर तो हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात, देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 19 प्लस का थे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13 गुणा 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो 3.2 गुणा 10 की घात ये आपको हो जाएगा माइनस का 10 न्यूटन, ठीक है, माइनस का 10 न्यूटन। तो ये आपका इतना बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, पहला वाला तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, तो इतना आप लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और समांतर वाले को यहाँ पर मैं लगाऊंगा, समांतर वाले को। तो यहाँ पर देखिएगा मैं उतना हटाऊंगा जितना हमें चाहिए यहाँ पर है, और ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसके बाद में, ठीक है, मैंने इतना इसलिए हटाया ताकि आपको कोई समस्या ना हो और मुझे भी कोई समस्या ना हो, ठीक है, क्योंकि दोबारा फिर से मुझे सवाल लगाना पड़ेगा, इसलिए इतना कर लिया है। थीटा आपका यहाँ पर देखिए दूसरा वाला, ठीक है, ये दूसरा सवाल हमारा लग रहा है, थीटा आपका हो गया है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर आपका है समांतर, तो समांतर के लिए आप 0 मान लें, 0 को रख लेंगे, और तो यहाँ पर भी आपको 0 करना पड़ेगा, और साइन 0 का मान होता है 0, तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा 0, तो आपका आ जाएगा एफ बराबर 0 न्यूटन, ठीक है, कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0 न्यूटन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 0 आ गया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में, क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करें। अब यहाँ पर कोण कितने का है, 30 अंश का कोण है यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा इसको हटाते हैं हम लोग और आगे देखते हैं, तो इतना हटाते हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि कोण आपको चेंज करना है, तो हम सिर्फ इतना हटाते हैं। आप चाहे तो आपको तो पूरा हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप तो सवाल लगा रहे हैं ना, इसलिए आपको पूरा हटाना पड़ेगा, मैं इतने से ही काम चला रहा हूँ अभी। देखिएगा अब आप करेंगे यहाँ पर तीसरा वाला सवाल लगाएंगे, तो तीसरे वाले के लिए आपको देखना है 30 अंश का कोण है, थीटा आपका हो गया 30 अंश, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है sin 30 डिग्री। sin 30 का होता है 1/2, तो सिर्फ थोड़ा सा काम आपका यहाँ पर ये यह रहेगा कि 2 से आप इसको काट देंगे, आपका आ जाएगा 1.6, और 10 की घात आपकी हो जाएगी माइनस का 10, 10 की घात माइनस 10, ठीक है, बात को समझ गए आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो बस आपका यहाँ पर सवाल यहाँ पर हो गया इतना न्यूटन, तो ये आपका आ गया है तीसरे वाले का आंसर, एफ आपका यहाँ पर निकल के आ गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, तो आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इसके साथ साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करिएगा, उसके बाद में आप लोग वहां पर आफ्ताब स्टडी क्लास सर्च कर लेंगे, तो आपको इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे।